नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, राजधानी भोपाल के पुराने शहर के एवीएम अस्पताल में उस वक्त हंगामा हो गया जब दो अलग अलग लोगों की मौत हो गई। दोनों ही मृतकों के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। मौके पर शाहजहानाबाद पुलिस ने जाकर मामला शांत करवाया। एवीएम अस्पताल का एक बुजुर्ग और एक महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। दोनों के ही परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। शाहजहानाबाद पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर जाकर मोर्चा संभाल लिया। पुलिस ने परिजनों को शांत करवाते हुए जांच की बात कही। हालांकि परिजनों ने अब तक कोई शिकायत अस्पताल के खिलाफ नहीं की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद जाँच की जाएगी। आपको मालूम है इसके बारे में? जी सर, अभी आ रहे हैं, ऊपर है राउंड। क्या क्या हुआ है यहाँ पर, जो इतनी पब्लिक बैठी है, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, उनके पेशेंट क्रिटिकल थे, हमने उनको पहले ही बता दिया था सर क्रिटिकल हैं, फिर भी अभी सर्टी हो गए तो वो ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं। अभी सर भी देख के गए थे, अकील सर अभी राउंड पर आए थे, वो भी देख के गए। लोगों का ये कहना है कि अच्छे खासे चलते हुए लोग आए और आगे? नहीं सर, उनकी काउंसलिंग हमने पहले ही करवा के रखी थी कि क्रिटिकल हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़े अधिकारी कहाँ हैं थोड़ा? जी मैं बात करती हूँ, बुलाती हूँ। जी पूछना आज क्या हुआ था? ये हमारे भाई थे, आपके बेकार हुए थे, बस कुछ नहीं बोलता उनको। आपको में तकलीफ थी? चलो चलो घर चलो, घूमने चलो चलो, तो ठीक है सर। ए भैया, सर दो व्यक्तियों की मौत हुई थी अभी अस्पताल में, उसके बाद परिजनों ने हंगामा किया, क्या कुछ मामले हुए? हाँ, ये ताजुल मसाजिद के पास जो एवीएम हॉस्पिटल है वहाँ से एक सूचना आई हुई थी कि कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, कुछ लोगों के परिजनों की मृत्यु हुई है। उसमें से जो पता किया गया उसमें मिस्टर रफीकुद्दीन है, ये लगभग 60 साल के थे, जिनको ब्रेन हेमरेज हो गया था और पूरी बॉडी पैरालाइज थी। तो एक तो उनकी मृत्यु हो गई थी, दूसरी सवाना थी जो बरखेड़ी जहांगीराबाद की थी, उनकी भी मल्टीपल ऑर्गन्स डैमेज थे और वेंटिलेटर पर थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उस पर से परिजनों में थोड़ा सा असंतोष था, तो हॉस्पिटल के प्रबंधन के खिलाफ उनके द्वारा नारेबाजी की गई थी। तत्काल में मौके पर पुलिस को भेज करके और परिस्थितियों को नियंत्रित किया गया था, ऐसी कोई बात नहीं। सर, परिवार वालों का आरोप था कि लापरवाही के चलते उनके परिजनों को मृत्यु हुई है। वो उनसे बोला गया था कि आप आवेदन दे दीजिए, उसकी जांच की जाएगी। तो आज दिनांक को आवेदन देने के लिए उनके द्वारा बोला गया है। अभी प्रथम दृष्टया ऐसी कोई लापरवाही दृष्टिगोचर नहीं हुई है, आवेदन दिया जाएगा तो उसकी बिंदुवार जाँच की जाएगी। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.